Hello, this is our next lecture on climate change. बहुत interesting topic है जो हम लोग daily observe करते हैं. एक काफ़ी years के span में हमने observe किया है और time time पे हम news या अलग अलग तरह की reports के through इससे अवगत होते रहते हैं. तो हम इसको यहाँ पर समझते हैं क्लाइमेट चेंज. इससे पहले समझ लेते हैं सबसे पहले कि क्लाइमेट क्या होता है. क्लाइमेट क्या होता है, यहाँ पे दो टर्म्स होते हैं, एक क्लाइमेट होता है एक वेदर होता है. दोनों ही अलग अलग मीनिंग्स रखते हैं और माइन्यूट सा चेंज होता है दोनों में. दोनों का ही मतलब समझ लेते हैं हम यहाँ पे. व्हाट इज़ क्लाइमेट, सॉरी व्हाट इज़ वेदर. वेदर इज़ शॉर्ट टर्म, ठीक है, जिसका एक लिमिटेड एरिया हो, शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिस्ट करता हो, बड़ी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा हो, उसको प्रेडिक्ट करना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट हो, ये वेदर है. तो यानी अभी हमारे घर के बाहर जिस तरह का मौसम है उसको हम वेदर कह सकते हैं. तो वेदर क्या है, एक लोकल एरिया में, एक लिमिटेड एरिया में, शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर, ऐसा कोई माहौल जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा हो, जिसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, ये हमारा वेदर है, ठीक है. नाउ व्हाट इज़ क्लाइमेट. क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ मेनी ईयर्स ऑफ वेदर ऑब्जर्वेशन. तो पिछले 10 सालों के कंपेरिजन में जो रहा दैट इज़ योर क्लाइमेट. तो क्लाइमेट इज़ अ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर. इसका एरिया भी वाइड होता है, ये सीजनल चेंजेस होते हैं, यानी कि हम समर्स विंटर्स सीजनल्स होते हैं. एंड इट इज़ मेजर्ड ओवर लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, ये काफ़ी बड़े समय के बाद इसके बदलाव होता है. तो क्लाइमेट हमारा लंबे समय के बाद अपने चेंजेस शो करता है और ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, तो इसको प्रिडिक्ट करना ईजी हो जाता है. तो अगर आज आप शाम को देख रहे हैं कि बादल लगे हैं और आपको लगेगा बारिश ज़रूर होगी, पर आप सुबह को देखेंगे तो आपको मौसम खुला मिलेगा, तो ये प्रेडिक्शन नहीं हो पाई, दिस इज़ वेदर. बट अगर आप एक ईयर्स में एक प्रोसेस को चेंज होते हुए देख रहे हैं और देख रहे हैं हर साल टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ रहा है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं आने वाले 10 साल बाद ये स्ट्रक्चर रहेगा या ये पोजिशन होगी, ये क्लाइमेट रहेगा, दैट विल बी अ क्लाइमेट, ठीक है. तो यहाँ पे हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं. अब ये क्लाइमेट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, यानी आप जब आप किसी प्रोसेस को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, जब आप किसी स्ट्रक्चर को एक लॉन्गर ड्यूरेशन में मेजर कर रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं और उसके बाद कोई प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो वो किसी न किसी फैक्टर्स पर बेस्ड होगा. और हम लोग फैक्टर्स जानते हैं, हम अपने रिसोर्सेज के साथ हमेशा फैक्टर्स को दो तरह से डिवाइड करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स. तो व्हाट आर बायोटिक फैक्टर्स, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डीकम्पोजिशन, डाइजेशन. आई होप ये पॉइंट्स सारे पता होंगे, ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, ये आपके बायोटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है. व्हाट आर एबायोटिक फैक्टर, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ओशन करंट्स, टोपोग्राफी, सोलर रेडिएशंस, इवेपोरेशन, ऑर्बिटल वेरिएशंस एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़. अब आप देखेंगे तो जब बायोटिक फैक्टर्स हैं, ये किसी न किसी फॉर्म ऑफ लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, उनके लिविंग, उनके टाइप ऑफ लिविंग पे डिपेंड हो रहा है, यानी उनका ईटिंग हैबिट्स, उनके डाइजेशन, उनके रेस्पिरेशन प्रोसेस को धीरे धीरे मॉड्यूलेट कर रहा है, चेंज कर रहा है. तो दिस इज़ अ बायोटिक फैक्टर. और एबायोटिक फैक्टर जो हमारे अर्थ सरफेस से रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स हैं, जो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट वो बिकॉज ऑफ दीज बायोटिक फैक्टर्स वो चेंजेस शो कर रहे हैं, यानी जैसे ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, ओशंस का टाइमली टाइड्स ना बना पाना, एट्सेट्रा. तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट्स को इम्पैक्ट करते हैं. तो फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज हम दो दूसरे तरह से जो हम डिवाइड कर सकते हैं, दैट कैन बी नेचुरल फैक्टर्स एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स. नेचुरल फैक्टर्स जो नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि वॉल्केनिक एरप्शन है, ओशन करंट है, अर्थ ऑर्बिटल चेंजेस हैं, अर्थ में जो ऑर्बिटल चेंजेस होते हैं, सोलर वेरिएशंस हैं, फॉरेस्ट फायर्स हैं, दीज आर योर नेचुरल फैक्टर्स जिनकी वजह से आप क्लाइमेट में चेंज देखने को मिलेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर एरिया में हर साल इस महीने में 3 से 4 बार आपको एक लार्ज एरिया में फॉरेस्ट फायर देखने को मिलती है. तो अब जब आप हर साल देखने को मिलती है, तो दिस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस. हो सकता है धीरे धीरे ये एरिया स्पैन बढ़ता जा रहा हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा, आपका वेजिटेशन या फॉरेस्ट रिसोर्सेज ज़्यादा लॉस होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही होंगी. तो ये आपके क्लाइमेट पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट शो करेगा. तो दिस इज़ अ नेचुरल फैक्टर या नेचुरल प्रोसेस. नाउ आर्टिफिशियल फैक्टर्स, यानी
आर्टिफिशियल फैक्टर हम किसे कह सकते हैं, जहाँ जहाँ पे ह्यूमंस इन्वॉल्व हो या ह्यूमंस के वजह से चीज़ें क्रिएट हो रही हो, तो हमारी ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ या एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज दैट इज़ अगेन आर्टिफिशियल। हमारे द्वारा ट्रांसपोर्टेशन का एक्सेस यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो रहा है, जिसके वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। सोलर रेडिएशन जिसको हम लोग हार्मफुल गैसेस को एमिट, ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर रहे हैं, जिनके जैसे हार्मफुल सोलर रेडिएशन ज़्यादा इम्पैक्ट शो कर रही हैं, तो दीज आर अवर आर्टिफिशियल फैक्टर्स। तो हम यहाँ पे फैक्टर्स भी समझ चुके हैं, दो कैटेगरीज डिवाइड कर लिए हैं, वो फैक्टर्स जो हम बायोटिक और एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स की तरह से डिवाइड करते हैं, और दूसरे फैक्टर्स जो हम नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर्स रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लाइमेट क्या है समझ लिया, क्लाइमेट चेंज के लिए क्या है फैक्टर्स इन्वॉल्व है समझ लिया। सो नाउ व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू द सीजनल चेंजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो किसी एक लंबे समय के बाद आपको जो सीजनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ठीक है, अब ये इस लाइन को हम सिर्फ पढ़ेंगे तो हमें लगेगा ये बहुत कॉमन सी बात है कि हाँ एक लंबे समय के बाद एक सीजन चेंज होता है, दैट इज़ वेरी नेचुरल। बट अगर आप खुद ही ऑब्जर्व करेंगे लास्ट 5 to 10 years में, तो आप देखेंगे हमारे सीजनल चेंजेस वेरी करने लगे हैं, यानी हमारा सर्टिनिटी नहीं रह गई है कि समर्स कितने मंथ्स का होगा, विंटर्स कितने मंथ्स का होगा, या जो प्रेडिक्शंस रहते थे कि दिस वाज द लॉन्गेस्ट डे, दिस वाज द स्मॉलेस्ट डे, अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे वो अब धीरे धीरे अपने पोजिशन से टिल्ट होने लगे हैं, अपने पॉइंट्स को डाइवर्ट करने लगे हैं। तो दीज चेंजेस आर विजिबल आफ्टर अ लॉन्गर स्पैन टाइम पीरियड, जिसकी वजह से वी हैव टू फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, बिकॉज दिस इज क्रिएटिंग अ कॉन्स्टेंट इम्बैलेंस बिटवीन अवर एनवायरमेंट एंड डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ सो मेनी सिस्टम्स आर टाइड टू क्लाइमेट, हर सिस्टम क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, जैसे कि हम इंसान क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स एनिमल्स, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा फूड प्रोडक्शन, हमारे बेसिकली हेल्थ रिस्क, हमारा वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें जो है क्लाइमेट पे डिपेंड करती हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्लाइमेट चेंज एक सीरियस प्रॉब्लम है जो आजकल के टाइम पे हमारे देखने को मिल रहा है। ठीक है, नाउ अब हम लोग वो जो फैक्टर्स थे उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। नेचुरल फैक्टर्स, यू हैव अंडरस्टूड वॉल्केनिक इरप्शन, आप समझते हो जब भी ये वॉल्केनो एरप्ट होता है तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ऐसी गैसेस एरप्ट होती हैं जो बहुत सर्टेनली दे आर वेरी वेरी हार्मफुल टू द लोकल बॉडीज जो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहाँ का लोकल वेजिटेशन, वहाँ की अर्थ लैंड सरफेस, वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी, ये सारी चीज़ें तो करप्ट हो ही रही हैं, वो तो विजिबल चेंजेस हैं, जो लावा निकल के आ रहा है, लैंड पे जमा हो रहा है, वो सब दिख रहा है। बट उसके अलावा जो गैसेस एमिट हो रही हैं, जो मोस्टली सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, या फिर वही गैसेस जो अपने रेसिड्यू छोड़ती हैं, वाटर पे सेटल डाउन हो जाती हैं, वही वाटर जो इवेपोरेट होता है, दिस बेसिकली पल्यूट द होल चेन जो उसके साथ जुड़ी हुई होती है। तो वॉल्केनिक इरप्शंस इज़ अ वेरी मेजर लार्ज एंड बिग नेचुरल फैक्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक, नेक्स्ट इज ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स क्या होते हैं? ओशन बेसिकली एक अगेन बहुत बड़ा कंपोनेंट है। रीज़न क्या है? क्योंकि ओशंस बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है हमारे इस प्लानट में, अर्थ में। तो अर्थ प्लानट पे बेसिकली देखा जाए तो हर तरफ पानी ही पानी है, और उस पानी का करेंट टाइप इज ओशन। तो ओशन करेंट्स क्या होते हैं? वो बहुत जल्दी जल्दी ट्रैवल करते हैं थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। तो जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अपने साथ वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो यानी अगर वाटर हीट अप जल्दी हो रहा है तो वही हीट थ्रू आउट द ग्लोब घूमने लगेगी, और धीरे धीरे वो उन पोल्स पे भी जाने लगेगी जहाँ पे हमें उस हीट की आवश्यकता नहीं थी, जो ग्लेशियर्स थे, जो आइस कैप्स थे, जिनकी वजह से वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगते। तो ओशन करेंट्स आर अगेन द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिगेस्ट नेचुरल पॉइंट, नेचुरल फैक्टर फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, देन नेक्स्ट इज अर्थ ऑर्बिटल चेंजेस। अर्थ अपने वी ऑल नो कि अर्थ क्या करता है, एक फुल ऑर्बिट कंडक्ट करता है सन, मतलब एक फुल सर्कल कंडक्ट करता है सन के अराउंड, जिसको हम एक ईयर मान लेते हैं। और ये जब घूमता है तो ये अलग अलग तरह के सीजन्स या अलग अलग तरह के क्लाइमेट चेंजेस एक कांस्टेंट वे में शो करता रहता है।
बट जब यही ऑर्बिटल ऑर्बिट एक चेंज शो करने लगे, तो आप एक नॉर्मल लॉजिक पॉइंट समझिए, दिस इज सन और ये एक ऑर्बिट पे घूम रहा है जिसके समय इतने समय बाद विंटर आएगा, इतने समय बाद स्प्रिंग आएगा, देन समर, देन फॉल, रेगुलर नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है। बट जैसे ही ये ऑर्बिटल चेंजेस होने लगे, यानी वो अपने रेगुलर पाथ पे सही समय पे ना घूमने लगे, तो आप देखेंगे इन इन चेक पॉइंट्स को टाइमली मीट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अर्थ के ऑर्बिटल चेंजेस जो होते हैं वो क्लाइमेट को बहुत डीपली इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेचुरल पॉइंट इज, नेचुरल फैक्टर इज योर फॉरेस्ट फायर। दिस इज वेरी वेल नोन बाय वी ऑल। हम ये वाइल्ड फायर्स को या फॉरेस्ट फायर्स को जो एक्सेसिव हीट कैच कर लेती है प्लांट्स या ट्रीज, जो बहुत जल्दी एक पेड़ से दूसरे पेड़ या थ्रू आउट द जंगल फॉरेस्ट एरिया फैल जाता है, दिस इज़ द बिगेस्ट लार्ज फैक्टर जो अगेन बहुत हार्मफुल गैसेस एमिट करता है, जिसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है, जो लार्ज वेजिटेशन को लॉस करता है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को लॉस करता है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो जिसकी वजह से धीरे धीरे नेचुरल चीज़ें अपना पेस, अपना स्ट्रक्चर खोने लगती हैं और क्लाइमेट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पे हम आर्टिफिशियल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। कुछ आर्टिफिशियल फैक्टर्स जैसे कि हमारी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से समय समय पर हमें परेशानियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमारा इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, रॉन्ग यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, अननेसेसरीली बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, दिस ऑल आर स्मॉल स्केल प्रॉब्लम विच व्हेन कंबाइंड कैन लीड टू अ बिगर प्रॉब्लम। तो दैट बिगर प्रॉब्लम इज अवर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। यही कुछ आपकी आर्टिफिशियल फैक्टर्स के अंदर आती हैं, जो आपके हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं, वो सारे आपके जो भी CFCs हैं वो आपके आर्टिफिशियल फैक्टर्स के अंदर आती हैं, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज क्या इफ़ेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। तो क्या इफ़ेक्ट्स हैं आपके क्लाइमेट चेंजेस के, द सीरियस एंड द वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पैक्ट या इफेक्ट इज योर ग्लोबल वार्मिंग। वी ऑल अंडरस्टैंड वॉट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज ऑफ अर्थ्स एवरेज सर्फेस टेम्परेचर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये जो जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं उनकी वजह से अर्थ की एवरेज सर्फेस टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग रेफर करते हैं। दिस ग्लोबल वार्मिंग इज अ सीरियस बिगेस्ट कॉज जो क्लाइमेट चेंज की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, सी लेवल बढ़ जाता है। सी लेवल के बढ़ने का मतलब वहाँ के आसपास के लोकल रेजिडेंसी को खतरा, फ्लड आने की संभावना है ज़्यादा, हाई टाइड्स होते समय ज़्यादा लॉस होने की संभावना, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबल टेम्परेचर इज राइजिंग। ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स, आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, और इन मेल्टिंग की वजह से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ इंडेंजर्ड या एंडेमिक स्पीशीज के अंदर आ जा रही है। अलग अलग तरह का हेल्थ रिस्क हमें देखने को मिलता है, हमारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिजीजेज, ऐसी बीमारियां जो शायद कभी सुनी नहीं, देखी नहीं, वो भी अचानक से आने की रीजंस क्या है, क्योंकि रेगुलर कांस्टेंट चेंजेस हैं जो अलग अलग तरह के वायरस या इम्पैक्ट्स को शो कर रही हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम्स ह्यूमन हेल्थ के वजह रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम्स कंटिन्यूसली बढ़ ही रही हैं, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, आइसबर्ग्स या ग्लेशियर्स, अंडरस्टूड, ठीक है। आर्कटिक सी आइस लॉस, ये आइस कैप्स का मेल्ट होना इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, विच विल लीड टू सीरियस डिजास्टर्स इन फ्यूचर, ठीक है। ये देखिए, दिस इज अ विजिबल पोर्शन, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। नियरली 97% ऑफ ग्रीनलैंड सर्फेस आइस शीट थॉट ड्यूरिंग अ 4-day पीरियड इन जुलाई, मोर देन इट एवर हैज इन द लास्ट 30 years, ठीक है। ये नासा के सैटेलाइट की पिक्चर है, आप देख सकते हैं जितना भी वाइट पोर्शन है, दिस वॉज आइस विच इज नॉट फाउंड एट ऑल इन द सेकेंड इमेज। तो ये कहाँ गई है बर्फ, दिस ऑल ऑफ दिस आइस मेल्टेड डाउन, अराउंड 97% ऑफ आइस इट मेल्ट डाउन, जिसकी वजह से
प्रॉब्लम हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। आप देख सकते हैं एसिड रेन, ये पूरा स्ट्रक्चर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। एसिड रेन किसे कहते हैं, क्या कहते हैं? एसिड रेन क्या होती है? इट इज़ अ रेन और एनी अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट इज यूजुअली एसिडिक, ठीक है। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द एटमोसफियर टू प्रोड्यूस एसिड। दिस इज अ चेन, दिस इज अ स्ट्रक्चर। ये कैसे बनता है? ये हार्मफुल गैसेस हैं जो सोर्स की तरह से हमारे हवा में मिलती हैं। अलग अलग तरह के सल्फर ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, जो धीरे धीरे एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर रही हैं और फाइनली जब हमें अर्थ की सरफेस में मिलती हैं तो एसिड के फॉर्म में हमें मिलती हैं, जो सीरियस इम्पैक्ट्स शो करती हैं, ठीक है। हेल्थ रिस्क आप देख पा रहे हो, दिस इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग पॉइंट। 262 million पीपल वर अफेक्टेड बाई क्लाइमेट डिजास्टर इन 2004। मोर देन 98% ऑफ देम आर इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलप कंट्रीज़ के अलावा डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा लॉसेज होने की संभावना है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज की स्कैरिसिटी है, ठीक है। ये भी अगेन आप देख सकते हो, सिमिलर इमेज है ये। दिस इज थ्रू आउट द वर्ल्ड 1979 यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द आइस एंड नाउ इन 2007 यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। एंड इफ वी हैव द थर्ड इमेज ऑफ अराउंड 2019 देन आई डोंट थिंक इसका इतना स्ट्रक्चर भी बचा हुआ होगा, ठीक है। सेम वही कुछ आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन। ये देखिए, दिस होल स्ट्रक्चर इज आइस है एंड दिस ऑल मेल्ट्स, ठीक है। सो वी कैन सी द इमेज हेयर, द स्ट्रक्चर दैट वी कैन सी हेयर इज फुल ऑफ आइस इन 1941 एंड नाउ इन 2004 इट इज ऑलमोस्ट गॉन। तो दिस इज अगेन एन इलस्ट्रेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज सिचुएशन। सेम गोज विद हेयर, ठीक है। प्लीज ऑब्जर्व द चेंजेस, ठीक है। नाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ इज चेंजिंग, कैसे? आप देखेंगे यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। अराउंड 2/3 ऑफ यूरोपियन बटरफ्लाई स्पीशीज स्टडीड हैव शिफ्टेड देयर रेंज नॉर्थवर्ड बाय एज मच एज 150 miles। अच्छा देखिए, छोटी छोटी बातें हैं जो शायद बड़े इम्पैक्ट्स नहीं समझ पाते होंगे, एज अ लेमैन हम नहीं समझ पाते हैं, बट दीज आर द सीरियस प्रॉब्लम्स। जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग टाइप शिफ्टिंग या माइग्रेशन प्रोसेस कंडक्ट करता है, देन वो अपने साथ बहुत सारे रिसोर्सेज लेके जाता है, ठीक है। वो अपने साथ बहुत सारी रिसोर्सेज की स्कैरिसिटी करके जाता है। वो एक फूड चेन के बहुत सारे एलिमेंट्स को ख़त्म करते हुए जाता है। तो ये जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो माइग्रेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको उनके रिसोर्सेज नहीं मिल रहे। और हमें इम्पैक्ट्स क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि हमारी लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन पर डिपेंड हो रही थी। और वो लोग चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस नाउ उनको सूट नहीं कर रही है। तो ये माइग्रेशन अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलता है, जिसके वजह से आपको वेजिटेशन में, फ्लावरिंग में, बर्ड्स के माइग्रेशन और अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स के माइग्रेशन की वजह से फूड चेन में, फूड वेब्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी डन, हम इस क्लाइमेट चेंज को कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी चेंज को करने के लिए हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ, प्रॉब्लम है। हाँ, क्लाइमेट चेंज सभी की प्रॉब्लम है, ताकि हर कोई उसको चेंज, उसको कंट्रोल, उसको फिक्स करने के लिए कोशिश करने लगे। तो एज एन इंडिविजुअल भी मैं काम करूँ, एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी मैं काम करूँ, एज ए गवर्नमेंट भी मैं काम करूँ, ताकि वो सारे चेंजेस अपना रिजल्ट शो कर सकें। वी ऑल नो, अगर 100 लोगों की भीड़ में कोई एक ही काम करेगा तो वो अपना इम्पैक्ट उस तरह से नहीं छोड़ पाएगा, या फिर उसको अपना इम्पैक्ट छोड़ने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। इफ़ यू वॉन्ट टू शो द चेंजेस, देन वी ऑल नीड टू हेल्प ईच अदर एंड द ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि सीरियस इम्पैक्ट्स देखने को मिले। फर्स्ट व्हाट वी कैन डू इज रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। आपने सबसे पहले अभी समझा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी, ग्लोबल वार्मिंग की। और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कार्बन के ऑक्साइड्स। ये कार्बन के ऑक्साइड्स जब बढ़ जाते हैं तो वो अलग अलग तरह से हार्मफुल इम्पैक्ट शो करते हैं। तो हम क्या करें, हम कार्बन के डाइऑक्साइड्स या कार्बन के ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने की कोशिश करें। तो क्या ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे मशीनरीज यूज़ करें जो कम
कार्बन एमिशन शो करे और जो एमिशन हो रहा है उसको प्रॉपरली एफिशिएंटली मैनेज करने के तरीके निकाले जाए। ठीक है, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए आप ये कारों का धुआं प्रॉपर मेंटेनेंस रखें गाड़ियों की, ताकि कम सॉलिड वेस्ट जनरेट हो। के रिड्यूस CFCs एमिशंस, आपने देखे ये सारे प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं, स्पेशली हमारा फ्रिज और इस तरह के स्प्रेज, इनमें बहुत हैवी मात्रा में CFCs होती है और इसका एमिशन न सिर्फ एज ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है बट एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा हार्मफुल है। रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन इज अ फेयर पॉइंट। ठीक है, हीटिंग एंड कूलिंग, हीटिंग एंड कूलिंग का मतलब क्या है? जब भी आप हीटिंग कंडक्ट कराते हैं और जब भी आप कूलिंग कंडक्ट कराते हैं, दोनों ही प्रोसेस किसी तरह से एनर्जी कंज्यूम करती है और ये एनर्जी सडन चेंजेस शो करती है। तो अगर आप देखेंगे कोई आपके पास कोई गर्म प्रोडक्ट है, उसको ठंडा करना चाहते हैं, तो योर रेफ्रिजरेटर इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो उसको इमिडिएट कूलिंग प्रोवाइड कराने में हेल्प कर रहा है। तो दीज आर्टिफिशियल कन्वर्जन ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग डिस्टर्ब्स द नेचुरल स्ट्रक्चर एंड इज हार्मफुल। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ों को कंट्रोल करना है। तो एसी के फिल्टर्स क्लीन करते रहें, प्रॉपर एनर्जी रेटिंग वाले इक्विपमेंट्स, रेफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव ओवन लें, ताकि वो कम एनर्जी यूटिलाइजेशन के साथ बेटर रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, जितने भी आपके ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो रीयूजेबल क्या कहते हैं रिपेयर या रिसाइकिलिंग मांगते हैं, तो उनको टाइम टाइम पे रिपेयरिंग प्रोवाइड कराएं, प्रॉपर ऑडिटिंग स्ट्रक्चर यूज़ करें। इन सारी चीज़ों का धीरे धीरे ध्यान रखें अपने लोकल लेवल पे, ताकि ये चेंजेस परेशानी ना करें। ठीक है, ये अगेन ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी वाटर रिसोर्सेज से पढ़ चुके हैं। कंजर्व हॉट वाटर, टेक शॉर्टर शॉवर्स, इंस्टॉल लो फ्लो शॉवर हेड्स। प्लीज रीड दिस पॉइंट्स, ये हमने ऑलरेडी समझ चुके हैं। इन सारे पॉइंट्स की हेल्प से हम किस तरह से पानी को बचा सकते हैं, एंड दिस वाटर इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स विच कैन हील लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच वी कैन एनकाउंटर इन डे टू डे लाइफ विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करें, जब भी रिसोर्सेज यूज ना कर रहे हैं तो उनको बचाने की कोशिश करें। ठीक है, तो दिस वॉज इट, क्लाइमेट चेंजेस क्या होता है, क्या इसके इफेक्ट्स हैं, क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। आई होप क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछें। थैंक यू।